बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब कैरियर से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिप सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी नए आने वाले दोस्त, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक ये है कि आज मैं आपको सुजुकी GS 150 की ब्रेक के ऊपर कटआउट लगाने का तरीका बताऊंगा। ब्रेक के ऊपर कटआउट क्यों लगाने का तरीका बताऊंगा। ये बाइक है, इसकी जब आप थोड़ी पीछे करो, ब्रेक लाइट दबाते हैं तो इस बाइक के जो है दो बल्ब जलते हैं, तो इन बल्बों का जो है लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या मसला होता है कि इन बाइकों के पीछे वाले ब्रेक स्विच जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। बाइक का पीछे वाला ब्रेक स्विच जो है वो चेंज किया है, नया लगाया है, तो इसके ऊपर हम जो ना ये आपको कटआउट लगाने का तरीका बताएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। तो कटआउट के वैसे कनेक्शन तो सेम होते हैं, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि इस कटआउट को जो है हम ब्रेक के ऊपर कैसे लगाते हैं। तो चले जी चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो आप ये चार तारों को तैयार कर लें। ये मैंने जर्मन तारों को ये इसकी कटआउट लुकनी लगा के तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो इसके कटआउट लगाने के जो सबसे पहले कनेक्शन ये होते हैं कि इसकी ये कटआउट की ये दो तारे होती हैं ना, ये दो तारे होती हैं इसकी, नेगेटिव और पॉजिटिव, जिस चीज़ के ऊपर भी आपने कटआउट लगाना है। नेगेटिव पॉजिटिव से मुराद के अब एक इसका अर्थ होता है और एक अब मैंने ये ब्रेक के ऊपर लगाना है कि इसकी जो ब्रेक की तार जो आ रही है ना, उस तार के ऊपर हमने इस कटआउट को लगाना है। तो अर्थ जो है मैं इस गाड़ी का ले लूँगा यहाँ से, ताकि आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ये अगला है क्या, ये ब्लैक एंड वाइट तार जो है ना, पूरी गाड़ी में अर्थ की तार है, जहाँ पर भी ये ब्लैक और वाइट तार होगी वो इसके अर्थ की तार होगी। तो आप इसके अर्थ की तार में ये आपने दोस्तों, अगर कटआउट आपने अगर हॉर्न के ऊपर भी लगाना है ना, तो इसका करंट के कनेक्शन या इसके कटआउट के कनेक्शन जो इसी तरह ही होंगे। तो जी दोस्तों, इसकी ये मैंने ये जो अर्थ की तार है वहाँ पर मैंने इसको थोड़ी सी तार को छील के मैंने इसको ये लगा दिया है, इसका कनेक्शन कर दिया है। इसके बाद इस तार के ऊपर हम कर लेंगे टेप, और टेप को हम करने के बाद, इसको टेप करने के बाद इसके दूसरा कनेक्शन, अब हमने ये स्विच लगाना है, कटआउट लगाना है हमने इसकी ब्रेक के ऊपर। तो ये इसमें जो नॉर्मली जो वाइट एंड ब्लैक तार होती है, ये इसकी ब्रेक की तार होती है। जी दोस्तों, इसकी जो आप देख रहे हैं वाइट एंड ब्लैक तार इसके ब्रेक स्विच की तार है। तो हमने इस तार के ऊपर कटआउट लगाना है, तो इस तार को आप काट लें, और काटने के बाद आप इसके ऊपर। तो जी दोस्तों, अब हमारी ये दो तारें तैयार हैं, तो ये दो तारों को हम इसके कटआउट पे लगाएंगे। एक ये हमारा नेगेटिव होगी और ये हमारी पॉजिटिव होगी, ठीक है। हॉर्न पे भी यही कनेक्शन होते हैं, हॉर्न की भी एक नेगेटिव होती है एक पॉजिटिव होती है। तो आप इसकी एक तार लगा दें इसके नेगेटिव पे कटआउट की, और एक लगा दें आप इसके पॉजिटिव पे। जी दोस्तों, ये तारें आपकी लग गई हैं। अब आप जब ब्रेक दबाएँगे तो इस कटआउट में आपने फील करना है कि आपको जो है ना कटआउट चलने की आवाज़ आएगी, बिल्कुल मामूली सी आवाज़ है, ये आपको इस कैमरे की आवाज़ में नहीं आएगी, लेकिन ब्रेक दबाने से इस कटआउट में करंट आ जाता है। तो अब इसका दूसरा काम हमने ये करना है, इस कटआउट की जो ये सेंटर वाली आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने डायरेक्ट जो है बैटरी से करंट, ये देखें दोस्तों सेंटर वाले पॉइंट को मैंने लगा दिया, और बैटरी से करंट के लिए जो है इसकी एक तार इधर भी होती है। जी दोस्तों, इस कटआउट के जो तीसरा पॉइंट है, इस तार के ऊपर मैंने एक ये कह दें कि ये तार लगा के इसकी ये रेड तार है, रेड तार इसकी जो है डायरेक्ट बैटरी से तार होती है, इस कटआउट को डायरेक्ट करंट भी चाहिए होता है, तो इसको मैंने रेड तार से ज्वाइंट कर दिया। और इसके बाद इसकी एक तार और मैं लगा के इसके ये चौथे पॉइंट पर तार लगाऊँगा, और इस तार को जो है मैं ये इसके कह लें कि जो ब्रेक स्विच को तार जा रही है उसके ऊपर मैं लगा दूंगा। ये बहुत ही आसान कनेक्शन है इसके, इस तरह के कनेक्शन आप जो है आप हॉर्न भी लगाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी ये कटआउट इसी तरीके से लगता है।
तो जी दोस्तों, इस गाड़ी को हमने एक कटआउट लगा दिया, तो इस तार को हम वापस यहाँ पर लगाएंगे और अब हम देखेंगे कि हमारा कटआउट जो है अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। लगाना था ब्रेक के स्विच पे, ये कटआउट लगाना था। उसका ये तरीकाकार था कि इसकी ये दो तारें, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुजुकी GS 150 में ब्लैक एंड वाइट तार कहीं पे भी होगी तो ये इसकी नेगेटिव होगी। ये मैंने इसके सेल्फ के ग्रिप में से इसकी नेगेटिव ले लिया और इसके मैंने ये तार आपको एक इधर से काट के दिखाई थी, इसकी ब्रेक की ये वाइट एंड ब्लैक, इस तार की वो काट के मैंने इसके कटआउट के दूसरे पॉजिटिव पे ले आया हूँ और इसके सेंटर में मैंने जो है बैटरी से करंट दे दिया है और मेरे पास ये एक पॉइंट रह गया था। इस एक पॉइंट के ऊपर से मैंने कह लेंगे तार लगा के इसकी जो तार हमने ब्रेक स्विच की काटी थी, इस तार को हमने उधर से करंट दे दिया। अब हमारा ये देख लें दोस्तों, पिछली ब्रेक जो है वो काम कर रही है, तो अब इंशाल्लाह इनका जो है ब्रेक स्विच जो बार बार इनका जल रहा था या बैक लाइट का जो बल्ब बार बार जल रहा था, वो बल्ब आप इनका नहीं जलेगा। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो थी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को दबाइएगा ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।